वेलकम बैक टू फ्रूट एंड चेरी। तो आज हम बनाएंगे बटर पनीर मसाला बिना अनियन और बिना गार्लिक के। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 5 टमाटर और थोड़े से अदरक ले लिए हैं। इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसके साथ ही हम ड्राई मसाले लेंगे, तेज पत्ता, छोटी इलायची, जीरा, साबुत लाल मिर्च और लौंग लिए हैं हमने। इन सबको अब हम एक पैन में घी डालेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म करने तक हम इसको रोकेंगे और फिर हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। जीरा ऐड करेंगे हम इसमें। जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी के भी सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। इनको हम अच्छे से हिला देंगे और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर और अदरक को भी मिक्स कर देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इनको हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। इसमें हम अब काजू थोड़े से और इसमें मगज भी हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 कटोरी पानी की ऐड कर देंगे जिससे हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको हम तब तक कुक कर लेते हैं जब तक हमारे टमाटर और ये काजू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इनको हमने कुक कर लेना है। बस ये हमारे टमाटर अब सॉफ्ट होने वाले हैं और 2-3 मिनट में बिल्कुल अच्छे से ये कुक हो जाएंगे। इनको हम कुक करके ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। इनको हमने इस स्टेज पर बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए हमने इनको छोड़ देना है। एक बर्तन में हम इनको निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और फिर हम इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें ग्राइंडर में डाल लेते हैं और इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना के हमने रेडी कर लेना है। ये पेस्ट हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। इसको अब हम एक छन्नी में छान लेंगे जिससे इसका थोड़ा सा भी बिल्कुल अगर कुछ वेस्ट है तो उसको हम निकाल के अलग कर देंगे ताकि वो खाने में ना आए। ये ज़रा सा बिल्कुल निकला है, इसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे और इस बाउल में पेस्ट हमारी बिल्कुल रेडी है। ये निकल के एकदम बढ़िया सॉफ्ट पेस्ट बन के तैयार हो गई है। अब हम फिर से एक पैन ले लेंगे और इसमें हम अब तड़का लगाएंगे। इसके लिए हमने इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड करना है और साथ ही साथ इसमें हम 1 टुकड़ा बटर का भी ऐड करेंगे। इससे हमारा घी पहले डालने से बटर जो है जल्दी से जलेगा नहीं। तो इसमें हम बटर भी ऐड कर देते हैं, इससे पनीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। इसमें अब हम कश्मीरी रेड चिल्ली ऐड करेंगे पाउडर। कश्मीरी रेड चिल्ली का 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें कसूरी मेथी को हम अच्छे से हथेली पर क्रश करके ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने पनीर के पीसेस को कट करके रख लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब इसको हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मसाले को। पनीर को अच्छे से इसमें रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो हमने एक पेस्ट बना के जो रखा है ग्रेवी का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाला बिल्कुल इसके साथ पनीर के साथ कोट हो चुका है। तो अब हमने जो ग्रेवी बना के रखी है हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कटोरे में जितनी भी ग्रेवी लगी है उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से निकाल लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे इसमें डाल के। तो बहुत ही बढ़िया बटर पनीर मसाला हमारा बन के रेडी हो जाएगा बिना प्याज के, बिना लहसुन के। आप इसको नवरात्रे में बना सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी की ऐड करेंगे, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा
और एक ही चम्मच हम इसमें विनेगर की भी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबाल आने तक इसको हम पकने देना है। अगर आपको ग्रेवी इसकी थिक लग रही है और भी ज़्यादा, तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसमें अब हम इसमें हाफ चम्मच गरम मसाला की ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच इसमें हम क्रीम की ऐड करेंगे। आप चाहो तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे। पहले हमने इसमें ऐड नहीं किया था, अब हम इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। तो बटर पनीर मसाला बन के बिल्कुल हमारा रेडी है। इसमें हमने ग्रीन चिल्ली और ग्रीन धनिया भी ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। एक उबाल आने तक इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसको बॉल में निकाल लेते हैं। बटर पनीर मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं परांठे के साथ, नान के साथ, जैसे भी आपकी इच्छा हो। नवरात्रे में भी आप शाही पनीर इसका, बटर पनीर का मज़ा ले सकते हैं बिना प्याज के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रूट एंड चे